लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है। ऐसे में विभिन्न शहरों, गलियों और सड़कों से तमाम राजनीतिक होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जिला पदाधिकारी भी सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया जिले के डीएम की पहुंचे और उन्होंने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए लोकसभा के लेकर जो कुछ कहा वह हम सबको जानना चाहिए। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। आज इस नवनिर्मित प्रज्ञान सभागार में शायद पहली बार आप लोग आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज अनाउंसमेंट एंड इशू ऑफ प्रेस नोट किया गया है। आप लोगों को पता है 16 मार्च 2024 को और कुल 7 फेजेज में निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके अंतर्गत 12 पूर्णिया पीसी जो है उसका सेकेंड फेज में पड़ेगी। आप लोग की जानकारी में होगी अधिसूचना की तिथि 28 मार्च 2024 होगी और नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल होगी, 4/4/2024। नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि 5/4/2024 होगी। विड्रॉल की तिथि 8/4/2024। मतदान की तिथि, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, मतदान की तिथि 26/4/2024 होगी। मतगणना की तिथि सभी जगह एक है, जो 4/6/2024 होगी और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की तिथि 6/6/2024 होगी। आई होप ये क्लियर है। आप सब लोग जानते हैं कि अधिसूचना की तिथि से नॉमिनेशंस लिए जाएंगे, जिसकी तिथि अभी हम लोगों ने बताया आपको 28 मार्च 2024 होगी, ठीक है। 12 पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम है, कुल 6 हैं, 58 कस्बा, 59 वनमनखी, 60 रुपौली, 61 धमदाह, 62 पूर्णिया और 69 कोढ़ा, जो कि कटिहार जिले में आता है। टोटल जिले में अगर हम लोग देखें तो कुल मतदाताओं की संख्या 22,03,753 है। पुरुष और महिला भी हैं जो सेग्रीगेट करके, पुरुषों की संख्या 11,39,537 है, महिला का 10,64,137 है, तृतीय लिंग के 18 से 19 आयु वर्ग के 22,620 हैं। इसमें एक लगातार पिछले 3-4 महीनों से लगातार ये प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 18 से 19 आयु वर्ग के नए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उसको इस ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और उसमें काफ़ी नंबर्स में जो है ऐड ऑन किए गए हैं। कुल मिला के 85+ जो मतदाता हैं हमारे यहाँ 13,964 हैं। पीडब्ल्यूडी मतदाता 20,112, टोटल सेवा मतदाता 1,123 और जो हमारा जेंडर रेशियो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो 934 है। इसके साथ ही जो टोटल पीएसएल हैं जिले में, जिसको पोलिंग स्टेशन लोकेशंस कहते हैं, वो कुल 1,163 हैं और टोटल बूथ्स 2,200 हैं। इसके साथ ही जो हमारे पीसी का अलग से कोढ़ा को मिलाते हुए वो भी डिटेल्स इसमें आपको दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग बहुत ही आवश्यक होता है और इसके लिए कुल जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके अंतर्गत कुल 23 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई गई हैं, एसएसटीज 23 बनाई गई हैं, एईओ 7 हैं, वीएसटी 14 हैं, वीवीटी 14 हैं, एटी 7 हैं। एक एक्साइज टीम भी जो है लगातार काम करेगी। उसी तरह से कोढ़ा के लिए भी जो बनाए गए हैं वो पूरा का पूरा दिया हुआ है। जो डिस्पैच सेंटर है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार पीसीसीपी नहीं होगा और पोलिंग पार्टी का डिस्पैच सेंट्रली यहाँ से किया जाएगा और उसके लिए उसके लिए 3 जगहों से डिस्पैच किया जाएगा। एक अपने पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से, जिला स्कूल पूर्णिया से और महिला कॉलेज पूर्णिया से, वो पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। नियंत्रण कक्ष की भी विवरणी इसमें लगा के दी हुई है ताकि आप लोग इसको देख सकें। जो हमारे एआरओज हैं उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है और इसके साथ ही जो सिंगल विंडो होता है जिसमें परमिशंस चाहिए होंगे राजनीतिक दलों और बाद में कैंडिडेट्स को, वो सिंगल विंडो के अंतर्गत होगा और सभी जो हमारे संबंधित एसडीएम्स हैं वहाँ से उनको परमिशन मिल पाएगा। उसके सभी का फॉर्मेट है और फॉर्मेट के अनुरूप जो है जो फर्स्ट में आएंगे उनको उस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जिस तरीके से लोग आएंगे उसी क्रम में उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी।
कुल सभा स्थलों की भी संख्या हम लोगों ने चिन्हित की है और लैट लॉन्ग उसका भी हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किया है। 49 ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है। कुल हेलीपैड्स की भी आवश्यकता 29 हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो इस प्रकार और इसके साथ ही जो कुल मिला के हमारे 23 कोषांग होंगे, सारे सेल्स के भी डिटेल आपको दिए हुए हैं, उनके जो हमारे कोषांगों के प्रभारी हैं और वरीय प्रभारी हैं उनके भी डिटेल्स दिए हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको दिए हुए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो जानकारी दी, इस तारीख को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी होगा। आचार संहिता लागू है। पूर्णिया के डीएम व जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने संवाददाता को जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव क्षेत्र संख्या 12 पूर्णिया में दूसरे चरण में चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने कहा 28 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि 26 अप्रैल को पूर्णिया के 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होंगे जिसमें 18,90,597 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार पूर्णिया से कौन जीत हासिल करता है। पूर्णिया से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826 2278 02।